अब तो मेरा कोई भविष्य नहीं है और बीता हुआ जीवन बड़ा भयानक है। मैं उस जीवन के साथ तुम्हारा नाम भी नहीं जोड़ सकता। मगर मैंने तो अपने जीवन के साथ तुम्हारा नाम जोड़ लिया है। चलो। याद आया, ये राम है। आप ना होते तो शायद आज ये काम पूरा नहीं होता। आइए बंद का उद्घाटन कीजिए। नहीं राम, नहीं डॉक्टर बाबू, मेरे हाथ। भैया, मुन्नी। भैया, तुम्हारे हाथ पवित्र हैं, तुम्हारे पाप तुम्हारे आंसुओं से धुल चुके हैं। भैया आओ, भैया आओ, आओ भैया। बरसों पहले जब मैं दिलावर सिंह डाकू नहीं लक्ष्मण सिंह था, मैं और मेरी छोटी बहन वंदना साथ में हम स्कूल जाते और साथ ही लौटते थे। भैया, राखी का दिन कब है? देख, राखी ये बहनों का त्योहार है। हाँ, तू मुझे पूछ ले भाई दूज कब है, मैं तुझे अभी बता दूंगा। बताओ ना भैया, मुझे दिन तारीख याद नहीं रहते, मैं तुमसे छोटी हूँ ना। तू छोटी जरूर है पर अखल की बड़ी मोटी है। राखी अगले इतवार को है। मुझे क्या लाओगे? बोल क्या लाऊं तेरे लिए। एक गोटे किनारे की ओढ़नी लाओ, ऐसी लाल रंग की। ठीक है, ला दूंगा। भैया अमिया। अरे अमिया, चल चल चल। सरदार, यहीं पर ढेरा डालते हैं। गांव बस दो कोस दूर है इधर से, अंधेरा होते ही धावा बोल देंगे। कालिया, फिर तो एक ही हल्ले में माला माल हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो बता कि कहीं उन बराती में कोई हेकड़बाज तो नहीं है? अरे नहीं, सब मुनमुन बकरे हैं, पूरी खबर कर ली है मैंने। हाँ, एक मुख्तियार है उस जमींदार का, रघुवीर सिंह। साला बहुत अकड़बाज है और वो हथियार चलाना भी जाने। हथियार चलाना तो हम भी जाने हैं, ससरे को मिट्टी चटा देंगे। बैठ जा। जाकर ठाकुर रघुवीर सिंह से निपटता हूं। नहीं ठाकुर,
बंदूक उठाने से पहले अपने सामने को संभालो। लक्ष्मण मेरे बेटे कमीनो कुत्ता। बहुत जान है तेरे इन हाथों में। हाँ बहुत जान है इस उम्र में ये तेवर। अरे डरता काहे को है रे। अरे हजारों गोलियां चलवाएंगे हम इन हाथों से। बापू वंदना। बापू मारे गए। वंदना न जाने कहां खो गई। उन जालिमों ने मासूम लक्ष्मण सिंह को वक्त की खाई में धकेल दिया और वहां से पैदा हुआ एक खौफनाक डाकू, डाकू दिलावर सिंह। दिलावर सिंह है। आज्ञा ठाकुर। तुम सिर्फ सुनोगे बोलोगे नहीं। आज रात मंदिर में उत्सव है। सारा चढ़ावा और भगवान की मूर्ति के जेवर हम ले जाएंगे। और याद रखो चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं। गांव से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। दीदी वो दिलावर सिंह नाम बताता था वो पिताजी को मार डालेगा। चारों तरफ से गांव को डाकुओं ने घेर रखा है। और कोई पुलिस तक भी नहीं पहुंच सकता। मैं पुलिस को लेने जाता हूं। जा सुन तू एक काम कर सकती है। ए लड़की कहां जा रही है। देखता नहीं शर्म नहीं आती पूछते हुए। अरे जाने दो भाई। Yeah!
और बहनों, आप लोगों ने खुद देख लिया कि इस मासूम बच्ची की दिलेरी की वजह से दिलावर सिंह की टोली का एक एक आदमी पकड़ा गया। अब मैं सरकार की तरफ से ये 5,000 रुपए का इनाम इस बच्ची को दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पुष्पा की तरह निडर होकर आप पुलिस की मदद करेंगे। लेकिन डीआईजी साहब, मुझे पुष्पा के अंजाम का डर है। परसों पहले मेरे भाई लक्ष्मण ने भी पुलिस की मदद की थी और नतीजा ये हुआ कि मैं अनाथ हो गई और मेरे भाई गायब। अगर पंडित जी ने मुझे सहारा न दिया होता तो ना जाने मैं कहां भीख मांग रही होती। बेटी, उस वक्त हम गुलाम थे, आज हमारा देश आजाद है। मैं तुम्हें सरकार की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाएगी। आप लोग अपने दिल से डाकुओं का डर निकाल कर पुलिस की मदद करके देश के अच्छे नागरिक कहलाएं। तू देख लेना हमीद, इम्तिहान खत्म होने के बाद मैं भी डाकुओं को पकड़ूंगा और मेरी फोटो भी ऐसी छपेगी। बस क्या राम, अपने को भूल गया ना यार। अबे तेरे साथ मेरी भी छपेगी। हाँ। वो भी तोड़ा लगा के। मेरी भी छपेगी, मेरी भी छपेगी, मेरी भी छपेगी, हमारी भी छपेगी। अरे हटो कमबख्तो, हर वक्त परेशान करते रहते हो। दिलावर सिंह की टोली को तो इस छोटी पुष्पा ने पकड़वा दिया। अब अपने हिस्से में दो ही डाकू रह गए, एक तो संग्राम सिंह मंगल। राम जादे, तूने सोचा था संग्राम से दुश्मनी करके बच जाएगा? कमीने, संग्राम से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं। क्या पूछा तुमसे? हट। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दिलावर सिंह है। ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है।
जबरन दोनों हरकत कर दो।